किसी विद्वान ने कहा है कि किसी समुदाय को विकास के सबसे निचले पायदान पर बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कि उस समुदाय के पुरुषों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाए और महिलाओं को अनदेखा किया जाए। क्योंकि यदि कोई एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ एक इंसान शिक्षित होता है, लेकिन यदि कोई महिला शिक्षित होती है तो एक पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। It's a recognized fact that education is a critical tool for towards empowerment. It's been something that has been recognized way back from Ambedkar's message, which looks at education as a tool for empowerment and as the first step for the upliftment of any community. Therefore, it's essential to ensure minimum standards of quality for learners, especially girls from tribal and Dalit community, as a basic minimum to ensure social change. सवाल ये है कि यदि महिला शिक्षित न हो तो क्या होता है? जिन हाथों को किताबों के पन्ने उलटने हों उन्हें काम पर लगा दिया जाए तो पूरी पीढ़ी का क्या होगा? जिस उम्र को जिंदगी की परवाज का रास्ता समझना था, अगर उस उम्र की आंखों में आंसू हों तो क्या होगा? जिस चेहरे पर हंसी होनी चाहिए थी उस पर अगर चिंता की लकीरें हों तो क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब शायद हैं, शायद नहीं हैं। The kind of discrimination faced by Dalit students from the beginning of schooling, even preschool, ICDS to up to higher education, whether it is the IIT or AIIMS, discrimination is rampant within the system. 15 अगस्त के दिन जो है दलित छात्रावास में घटना घटित हुई, इधर लोग आजादी का जश्न मनाया जा रहे थे, उधर एक दलित छात्र जो है उसका मतलब उसके रिलेटिव कोई आया हुआ था और उसी छात्रावास के में जो उसके प्रबंधक थे, आयोजक थे, मतलब प्रबंधक जो थे उसको संचालित करने वाले ठाकुर साहब थे, उनकी बाल्टी रखी हुई थी, वो लड़का जाके उस बाल्टी से पानी पी लिया, इतना बुरी तरह उसको मारा गया उस बाल्टी से पानी पी लेने के लिए। दलित छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास है और इतना बुरी तरह से मारा कि लोग आज़ादी के जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ उसको मार के फ्रैक्चर कर दिए, चार चार फ्रैक्चर उसके हाथ और पैर में हुए थे। लाइट यहाँ नहीं है, बच्चे क्या करेंगे, अगर पढ़ने का मूड बनता तो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने के समय जो है लाइट कट जाती है, जो भी चीज़ें हैं कि यहाँ कभी समरसेबल बिगड़ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, पानी के लिए लैटरिन की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, प्लान बना कर अगर हम चलते हैं तो पता है हमारे बीच में बाधा आ जाती है, चाहे वो वार्डन की तरफ से, चाहे वो समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से आती है। उनके बिहेवियर से मुझे ऐसा लगता है कि उनको यही लगता है कि ये ऐसी हैं, ये क्या करेंगे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर यही जनरलों का होता है, अगर वो एक बार कहते, एक बच्चा कह देता, उनकी मौकात नहीं थी कि वो आके यहाँ काम नहीं करवाती, वो खड़ी होकर करवाती है और 10 से 4 यहाँ ड्यूटी करती है, जो आके यहाँ सिग्नेचर करके चली जाती है। आवे तो पहले खड़ी करावे, पहले चमारक लड़की मूत्रालय साफ कराए वाली बात रहे, चमारक लड़की पहले बुलाए लें, जितना चमारक लड़की रहे सब खड़ी हो जाए, ओकर बाद ठाकुरक लड़की के एक है और दूसरे ज्यादा के लड़की 2-3 ठे बुला लें। कहा नल का थोड़ा दूर रहा, मूत्रालय स्कूल के पीछे रहा, तो कहा कि तू सब पानी भर भर दे, ये सब जो है मूत्रालय साहब करे, जितना चमारक लड़की रहें गेटे के लगे खड़ी रहे और ठकुरक लड़की पानी चलावत रहे और दूसरे जाति जो लड़की रहे बल्टी ढो ढो ले जाए और हमसे सह जो नहाए वही मूत्रालय में पानी डलवाए कि मूत्रालय साफ कराए, एक ये साफ कराओ को वो साफ करे, को खर ना रहा चाहे, को कचड़ा ना रहा चाहे, ऐसे कुल साफ करवाए। लड़कियों को तो और भी नहीं पढ़ाना चाहते, चूंकि उनके दिमाग में होता है कि ये लड़कियाँ जो दलित समाज की लड़कियाँ उभर के आ रही हैं इनको बस केवल सेवा करने का अधिकार है और ये प्रयोग की वस्तु है, इसलिए जो है उनको पढ़ाना जरा सा भी नहीं चाहते वो लोग, और इसीलिए उनके साथ तमाम तरह के भेदभाव होते हैं, उनको किस तरह से दौड़ाया जाता है, कभी एडमिशन के नाम पर तो कभी आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर। हमारा जो छोट पिला जाऊँ अन्य स्कूल पढ़ाक सबर्ण स्कूल से भेदभाव हो, कारण आमर पिला हरिजन पिला अलग बसुन, सबर्ण पिला अलग बसुन, यहाँ भेदभाव हो सब जिनस भेदभाव रोच, कहीं हरिजन सवर्ण भेदभाव सब टाइम रोच स्कूल से अन्य स्कूल। ये कदम जो चले हैं उस तरफ जहां रास्ता खुद को तलाशने में आपकी मदद करता है, चलो एक बार कोशिश करें कि मंजिल मिल ही जाए इन मासूम कदमों को। साक्षरता या शैक्षणिक स्थिति की बात करें तो विश्व सूची में
भारत का स्थान बहुत नीचे आता है। उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज की स्थिति यह है कि साल 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति समाज का साक्षरता प्रतिशत सिर्फ 45.2 था और उसमें महिलाओं का प्रतिशत 41.90 था, जबकि अनुसूचित जनजातीय समाज का साक्षरता प्रतिशत 38.4 था और उसमें महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत केवल 34.76 था। संविधान में समानता की बात करने वाले किसी भी देश के लिए ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। यह मुद्दा अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं की शिक्षा के लिए आवश्यक फंड या सुविधाएं जुटाना ही नहीं है, बल्कि इस समाज को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए तैयार करना भी है। पढ़ेगा कथा जी आमर पिला केमिति पाठ पढ़िबे केमिति मनीष हेबे भलमंद किए डाक्तर किए इंजीनियर आम तो करिपरिबा मुस्कुल आम घरे तो दाना नहीं खाइबा को पिला पढ़ाऊ सत कि पढ़े पारिबुनु कौन इंजीनियर ओवरसर कि डाक्तर आम पढ़े पारिबु ना टिके शिक्षित करने को चाहूँ शिक्षित टिके हेले बहीपत्र भलमंद पढ़ापढ़ी जमी बाड़ी विषय एमती देखिले टिके आमको टिके सुहाइला भली हम डबल दोहरी शिक्षा नीति जो है कर दी गई। एक विद्यालय जो है सरकारी होगा तो दूसरा विद्यालय होगा जहाँ पे फीस इतनी ज्यादा होगी कि बड़े दलित समाज की लड़कियां उसमें प्रवेश ही नहीं ले पाएंगी। लेकिन क्या सिर्फ स्कूल की सुविधाएं दे देने से ही इन महिलाओं में साक्षरता जागृति और विकास की भावना जगाई जा सकती है? राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ी था मगर सुविधा बाल की मिलत ना है। जितना बड़ी बड़ी जात की मिल जाता हमके सबके ना मिले। अब फार्म भरे के बाद कहीं कि आ जाए कल आए फार्म भरा आ जात प्रमाण पत्र बनवावा जब जाए जाए आ जात प्रमाण पत्र बनवा के लिए जाए थे तो वहाँ कहीं 500 रुपये दे 600 रुपये दे तब बनवाए घूस लेंगे तो कहाँ से हो सके हम सब ना दे पाए। उनको चूंकि एजुकेशन में ना जा पाए इसलिए रेप की घटना तो बहुत मेजर मतलब एक ओवरऑल जारी हो गई है। अगर उनको पता हो गया कि दलित समाज की लड़की है वो साइकिल से जा रही है तो उसको धक्के देना ताने कसना छीटा कसी करना ये इस तरह से जो है उनको वो करना मतलब ताकि ये आगे न बढ़ पाए इस तरह से। और एक सबसे बड़ा स्लोगन लोग प्रयोग करने का काम कर जो भी लड़की थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं उसका एक नाम देते हैं लोग ये मायावती जा रही है। आज के दौर में भी ऐसा होता है ये मानना थोड़ा अचंभित तो कर सकता है, लेकिन क्या शिक्षा के स्तर में फर्क को इस तरह भी देखा जा सकता है? हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी या उससे पहले ही स्कूल छोड़ देने वाले अनुसूचित तबके की जनसंख्या 38% तक है, जबकि मिडिल स्तर तक 28.5% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्नातक स्तर तक सिर्फ 3% अनुसूचित समाज के बच्चे पहुंचते हैं। उड़ीसा में यह आंकड़ा और भयावह तस्वीर पेश करता है, जहां प्राइमरी स्तर तक सिर्फ 40.1% अनुसूचित जाति के बच्चे स्कूल जाते हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति में यह आंकड़ा 44.7% का है, जबकि मिडिल स्तर में यह आंकड़ा 14.4% और 13.7% होता है। स्नातक स्तर तक पहुंचने वाले अनुसूचित जाति जनजाति का आंकड़ा सिर्फ 2.3% और 1.5% होता है। इन आंकड़ों को अगर शिक्षा के संदर्भ में रोजगार के अवसरों के तौर पर देखा जाए तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की कुल अनुसूचित जाति जनजातीय जनसंख्या का मात्र 3-5% तक जनसंख्या ही रोजगार लायक शिक्षा ग्रहण करती है, जबकि अधिकतम जनसंख्या या तो स्कूल तक पहुंचती ही नहीं है या फिर विभिन्न स्तरों पर स्कूल छोड़ देती है। लेकिन इस विमर्श को सिर्फ इसी निष्कर्ष पर नहीं छोड़ा जा सकता। समाज में जातीयता की पहचान को लेकर जो भेदभाव व्याप्त हैं, क्या वो शिक्षा पद्धति में भी दिखाई देता है? क्या शिक्षकों के रवैये में, स्कूल में, शिक्षा संबंधी नीतियों में भी इस तरह का भेदभाव दिखाई देता है? ये सरकार ने बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी है कि बच्चों को आवास, भोजन, गणवेश, स्टेशनरी,
जितनी भी सामग्री उनसे उनके जीवन यापन से संबंधित है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन इतनी सुविधा सरकार ने जो दी है तो समाज की बड़ी अपेक्षा भी रहती है कि हम इतनी सुविधा इन बच्चों को दे रहे हैं तो आउटपुट निकल कर क्या आ रहा है, उनको क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है वो खुद सोचते हैं और बाहर उनको बताना होता है कि हम क्या करें। यहाँ के बच्चों में सभी का देख करके, सीनियर बच्चों का देख करके उनके मन में शुरू से ही आ जाता है कि हमें क्या करना है और उसी हिसाब से अपने लक्ष्य को निर्धारित करके ये बच्चे निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। I want to become a doctor in my life. I want to become an IAS officer. I want to become a judge. Development pai infrastructure development darkar, adequate number of staff darkar, cooperation from villagers darkar. ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡସ୍ ଦରକାର, ଏଇ ତିନିଟା ହେଲେ ହବ ଆଉ କ'ଣ, ଏ ତିନିଟା ହେଲେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବା ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ଯାଏ। पिछले दो दशकों में भारतीय समाज ने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं और बदलाव की ये लहर हर क्षेत्र में फैली है। अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। इस समाज में एक बेचैनी दिखाई देती है, बदलाव के प्रति एक स्वीकार्यता नजर आती है। हम जो हॉस्टल अच्छी सेठी पिला मानों पई सेठी रहया पई जो हॉस्टल अच्छी छात्र छात्री सेठी संख्यक घर रहया कथा सेठी आवश्यकता अनुसार नहीं तो रहया पई गाधा ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଝାଡ଼ାପଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଗାଧୁଆଘର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳର ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତୁଳନାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ରେଟ୍ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲାଣି ସେ ମାନେ ତାକୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ମାନରେ ଖାଇବା କଥା ସେ ତାହା ଖାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। Major problem we have seen that the sanitation problem for the girls, for which the adolescent girls are not coming to the school, and number of the girls are drop out in the age of the adolescent age due to the sanitation problems. Because in a schools there are two latrine only, but there have more than 200 girl children. There is not scope for the use the latrine in for the all students. They go to first to go outside for their latrine and urinals. Recently we have seen in Ganjam district in the Huma school that before 2 years one girl child was caught by the railway tracks as they went to the outside for the toilet facility. So this is, that is one major problem. Another is the problem is for the bed systems. They are supposed to provide the single bed with the good facility, but the department is providing their double decker, two step beds, which is difficult to the small girl child to sleep there. And now recently they have provided the single decker, but the rooms is so congested. There is no good ventilation, cleanliness and hygienic facility in the hostel premises. It is also a major health hazard for these girl children. Fundamentally, if one seeks to improve the quality of schools, you cannot hope to do that until there is enough of funding to ensure minimums are provided. You can't improve infrastructure unless there is money to do so. You can't have adequate teachers and even sensitive and competent teachers until there is enough of funding to ensure their salaries. You can't have safety and a full-time security being provided until and unless there is someone who can, unless said provisioning are funded. Therefore, it's imperative to ensure adequate funding is available to ensure secondary education.
Currently, lot of the programs are extremely underfunded, including that for the, especially in fact, that of the residential hostels for marginalized groups, which is often reflected in the completely unacceptable standards available there. It is essential that therefore adequate funds become available and space for that exists under provisioning under the tribal and SC sub-plans, which talk about proportionate amount of resourcing proportionate to their share in the population. Therefore, there is earmark funding for tribal and Dalit learners' education. It just doesn't often translate into adequate provisioning. आप देखिए दुमका में जो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में वहाँ के ST लड़के लड़कियों के शैक्षणिक विकास के लिए जो पैसे आवंटित किए गए हैं, लड़कियों के लिए हॉस्टल जो बनाने हैं, क्वालिटी वाले हॉस्टल बनाने हैं, वो नहीं बना के उन पैसों का उपयोग प्रोफेसरों को सैलरी देने में इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही बात आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है हजारीबाग में, सेम वही बात वहाँ पर भी है कि उन पैसों का उपयोग टीचरों को वेतन देने के रूप में किया जा रहा है। तो ये जो पैसे या तो ST स्टूडेंट को इंडिविजुअल देने हैं या फिर उनके समुदाय को दिया जाना है, दो तरह से खर्च कर सकते हैं। या हम इलाके में अगर खर्च करें तो जहाँ पर मेजोरिटी वाले इलाके हैं उनको ज़्यादा मिलेगा फायदा, वहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन वैसा खर्च ना करके ये लोग एक सामान्य जो स्कीम्स हैं, विकास हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं। इसलिए TSP के पैसे का यहाँ पर बंदरबांट हो रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि यह राशि सही तरीके से आदिवासी के विकास के लिए, उसके शैक्षणिक विकास के लिए खर्च की जा रही है। द यूनियन गवर्नमेंट इज एलोकेटिंग ओनली 50% ऑफ व्हाट दे आर सपोज टू। सो राउंड अबाउट दिस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर 2012-13, they should have allocated 63,000 and odd crores. They have allocated only 37,111 crores for SCs, and proportionately similarly only half what they should have allocated for the STs. Then we looked at how this, where this allocation is going. Okay, they've allocated 50%, but where is it going? And when you examine it further, this whole 37,111 crores, out of that 27,000 crores is again notional or schemes which don't have any direct benefit to the scheduled caste. Like it has gone to power, it has gone to infrastructure of that, grants in it to institutions. Then when you look at this in the states, Orissa, the home budget for the SCP and TSP has gone for construction of jails, construction of police quarters, construction of judges, the courts, and construction of firehouses. Now, in what way any of these are going to benefit the development of the either tribals or scheduled castes? अनुसूचित जाति जनजातीय समाज के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट बनाया जाता है, योजनाएं और परियोजनाएं बनाई जाती हैं, नई सुविधाओं का ऐलान होता है, लेकिन इन सभी को जितना फायदा होना चाहिए, जितना असर दिखना चाहिए, इस समाज के शैक्षणिक उत्थान में वो नहीं दिख रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने का जो लक्ष्य अपने सामने रखा है, उसके लिए सभी को समान शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। The previous MDG framework limited the question of education to enrollment at primary level. The new framework should go beyond this minimalistic enrollment thinking towards ensuring minimum and indeed optimum standards of quality for all learners.
which includes availability of trained teachers, infrastructure, curriculum, etc., which is sensitive to the needs of the girls from marginalized communities, which would in turn be essential to drive the policy debate within the country as well as globally. आगे बढ़ने की, पढ़ने की ये लालसा इस समाज में अपने लिए रास्ते खुद तलाश कर लेगी। जरूरत है कुछ ऐसे प्रयासों की ताकि इस दिशा में बढ़ने वालों को प्रोत्साहन मिले, उनकी हौसला अफजाई हो। There is a necessity for the Department of School Education to get its act and then discuss with the community to see, one, how do you address discrimination in the schools? Second, how do you make inclusion possible? Three, there are specific gaps in terms of there is a gap of a need for effective residential education. Now, can we have each block, can they have residential education? So for the SCs and STs, then they need extra extra coaching opportunities for SCs and STs to set the gaps that they have been getting as their baggage for centuries of discrimination. Now their opportunities, they are very skilled, but then the skill needs effective opportunities for it to blossom. So whether such funds can be used so that their skill can really be brought out into a very creative aspect, so that, you know, they're linked to job, they're linked to entrepreneurs, they're linked to higher and technical education, and then cross the different levels of poverty. अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए बेहतर हॉस्टल, स्कूल, शैक्षिक सुविधाएं आदि का बेहतर इंतजाम हो, उनकी आर्थिक स्थिति उनकी शिक्षा में बाधक न बने, इस तरह की योजनाएं हों, ऐसा इंतजाम हो कि शैक्षणिक स्तर में उनके विकास पर लगातार नजर रखी जा सके और जहां भी उन्हें मदद की जरूरत हो वो उन्हें फौरन उपलब्ध करवाई जा सके। अरे अच्छे से इच्छा है कि निसर जाएं अच्छे से, जब रहेगा तब निके कमाई रहेगा, पढ़ाएगा, जब सरकार देगा, जब इधर बीचे में खाए ले जाता है सरकार हला देते हुए बीचे में खाए ले जाता है, तो कहाँ से लड़की आगे निसके, जब अपने पेट के न भरे गया तो लड़की कहाँ से आगे निसकी, पहले बताओ। वो सफर जो छोटे कदमों से शुरू होता हो वो किसी भी मुश्किल पर न रुके, चलता रहे और वो मंजिल छूले जो पूरे समाज को आगे बढ़ा सके। लड़कियां पढ़ लेगी साहब बहुत फायदा है, पढ़ लिख लेंगी है बहुत फायदा है, इज्जत बढ़ जाएगी हमारे सबकी, हमारे कास्ट की। और हम ये चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ हम बने, उसके बाद हम अपने समाज के समस्याओं को हल करें, उसके बाद जब हम कुछ बन जाएंगे तब तो अपने समाज का हम हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और हम पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बनना चाहते हैं ताकि हम अपने समाज को न्याय दिला सकें। इन आँखों के सपने पूरे हों, उम्मीदों की परवाज को आसमान भर के मिले, कुछ ऐसा हो कि पूरी पीढ़ी पढ़ पाए, कुछ ऐसा हो कि महिलाएं पढ़ पाएं।